ओके तो रिवीजन क्लास नंबर 3 है और ये बायो का, और यहाँ पर हम लोग दो रिवीजन क्लास कर चुके हैं, रिवीजन क्लास 1 और 2। 3 में कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर, और ये आपको पता है, देखिए ये अवतार क्वेश्चन बैंक है ना, उसी से करवाया जा रहा है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, जैसा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प है ना, निम्नलिखित में से कौन सा भाग जो है पुष्प के नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे पहला ऑप्शन है पुमंग है, दूसरा जायांग है, तीसरा गुरु बीजाणु धानी, और चौथा है परागण। तो देखिए पुमंग है ना, पुमंग की ही छोटी छोटी इकाई को क्या बोलते हैं, पुंकेसर बोलते हैं, पुमंग को एंड्रोसियम बोलते हैं। अगर पूछ लिया जाए पुष्प का नर भाग क्या है, पुमंग है ना। जायांग क्या है, तो जायांग स्त्री के सर, गाइनोसियम बोलते हैं, है ना। और देखो गुरु बीजाणुधानी दो होता है, लघु बीजाणुधानी, गुरु बीजाणुधानी, तो लघु बीजाणुधानी जो है वो परागकण से संबंधित होती है ना, जो कि लघु बीजाणुधानी यानी कि पुष्प के नर भाग है, क्लियर है। और गुरु बीजाणुधानी की बात किया जाए तो पुष्प की ये मादा भाग है, और परागण ये एक प्रोसेस है ना। परागण क्या है, पुष्प के पराग कण का है ना, पुष्प के मादा भाग के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, आवृत बीजी पौधों में पुंकेसर है, यहां कह रहे हैं ऐसे है, ऑप्शनल 2019 का है ये क्वेश्चन, मादा जननांग नर जननांग दोनों और इनमें से कोई नहीं, ये करें आवृत बीजी पौधों में पुंकेसर है, तो पुंकेसर का संबंध किससे, पुमंग से है या जायांग से। देखो अगर कभी कंफ्यूजन हो जाए ना तो ऐसे दिमाग लगाओ, पू से है पुमंग और पू से ही है पुंकेसर, बस सीधा, क्लियर है। तो पुंकेसर यहां पर सही आंसर क्या होगा, पुंकेसर होगा, चूंकि क्वेश्चन यही तो है, आवृत बीजी पौधों में। अच्छा आवृत बीजी पौधा मतलब समझ रहे हैं, पुष्पीय पौधे को आवृत बीजी पौधा कहते हैं और अपुष्पीय पौधों को क्या कहते हैं, अनावृत बीजी पौधा कहते हैं। तो आवृत बीजी पौधों में पुंकेसर क्या है, मादा जननांग तो होगा नहीं, तो क्या है, नर जननांग, नर जननांग मतलब पुंकेसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगुणित कोशिका है, यहां पर बताना है कौन सी कोशिका अगुणित है, अगुणित का मतलब एन के फॉर्म में है ना। यहां पहला ऑप्शन है टेपीटम, दूसरा है पराग मातृ कोशिका, तीसरा है पराग कण, और चौथा पराग कोश। तो क्या है ये अगुणित कोशिका कौन है, पराग कण है ना। अगर हम जैसे पूछ लें, जैसे इंसानों की बात किया जाए तो नर जनन अंग है ना, अगर इसमें देखा जाए तो वृषण होता है मेन है ना, और उनका काम क्या होता है, अस्पम फॉर्मेशन करना, अस्पम जिसे कहते हैं शुक्राणु कहते हैं। वैसे अगर पुष्पीय पौधों की बात किया जाए तो वहां नर जनन भाग में पुंकेसर होता है, और पुंकेसर में होता क्या है, तो वो होता है पराग कण होता है, क्लियर है। अच्छा ये हो गया, और दूसरा नंबर पराग कोश, तो पराग कोश का मतलब क्या हुआ, जहां पर पराग कण रहते हैं वो क्या होता है, पराग कोश होता है, क्लियर। नेक्स्ट देखिए 2019 का एक क्वेश्चन है, एक प्रारूपिक आवृत बीजी पराग कोश में लघु बीजाणुधानियों की संख्या कितनी होती है। अब ये चीज आपको याद रखना होगा, यहां पर 1 2 3 4 कितनी होती है, ये करें, एक प्रारूपिक आवृत बीजी पराग कोश में लघु बीजाणुधानी की संख्या 4 होती है, याद रख लो इसको, कुछ क्वेश्चन आपको याद करना होगा क्योंकि अब समझने वाली चीजें गई, क्लियर है। अब रट्टो रट्टा मार, क्लियर है, जो समझ में आए ठीक है, जो ना समझ में आए उसको अगर आराम से समझ में आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो बाद में थोड़ा बहुत देख लो, समझ में आता है तो आता, नहीं छोड़ो, क्लियर है, क्योंकि टाइम भी तो बहुत कम है, अभी टाइम ऐसे बीत जाएगा पता ही नहीं चलेगा। चलो नेक्स्ट है, पराग कण मातृ कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये कह रहे हैं, पराग कण मातृ कोशिका में गुणसूत्र की संख्या कैसी होती है, अगुणित तो होती है, द्विगुणित तो होती है, तिरगुणित तो होती है, या बहुगुणित तो? नहीं,
द्विगुणित, देखो पराग कण मातृ कोशिका की बात कर रहा है तो द्विगुणित हो गई, अगर केवल पराग कण की बात करता तब क्या बोलते अगुणित, अगर मैं पूछूं भ्रूण कोष में क्या होता है तो त्रिगुणित होता है, भ्रूण में क्या होता है भ्रूण होता है द्विगुणित, भ्रूण कोष क्या होता है त्रिगुणित होता है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पराग कोष की बीजाणु धानी की बाह्यतम और सबसे भीतरी परत कौन सी होती है, तो सबसे बाह्यतम परत को देखो, बाह्यतम परत को कहते हैं एपिडर्मिस, क्लियर है, और वैसे याद रख लो देखो एपी, एपी मतलब होती है बाहर, डर्मिस मतलब होता है त्वचा, तो बाह्यतम परत को क्या कहते हैं एपिडर्मिस, और ये पराग कोष के बीजाणु लघु बीजाणु धानी की बात हो रही है, लघु बीजाणु धानी का मतलब कहीं ना कहीं पराग कण की बात हो रही है, क्लियर, तो जो बाह्यतम परत होती है वो क्या होती है एपिडर्मिस, और जो सबसे अंदर वाली सबसे भीतरी वाली परत होती है वो होती है टेपिटम, क्या होती है टेपिटम, याद रहेगा ना बाह्यतम परत को। अब जैसे यहाँ ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन इतना कंफ्यूजन वाला है, पहला ऑप्शन एंडोथीसियस व टेपिटम, ये तो होगा नहीं, दूसरा ऑप्शन एपिडर्मिस व एंडोडर्मिस, अब बच्चे यही टिक करते हैं क्योंकि ये एंडोडर्मिस क्या है, एंडोडर्मिस एंडो मतलब अंदर है ना, लेकिन यहाँ सबसे भीतरी परत की बात है क्या है, तो एंडोडर्मिस ना करना बल्कि क्या करना टेपिटम, लघु बीजाणु धानी की सबसे भीतरी परत क्या होती है टेपिटम होती है, और ये कौन सी परत होती है जो फर्स्ट वाले ऑप्शन में पहला है एंडोथीसियम, देखो ये भी भीतरी परत से ही संबंधित है ना, एंडो ऐसे याद रखो, कहीं भी अगर एंडो रहे ना इसका मतलब होता है अंदर, जैसे एपी मतलब होता है बाहर, क्लियर है। अभी नेक्स्ट देखो 200 लघु बीजाणु के निर्माण के लिए प्रकारात्मक लघु बीजाणु मातृ कोशिका में कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे, तो अगर अर्धसूत्री विभाजन की बात करें ना, जितना भी दिया रहे उसको चार से भाग दे देना है ना, तो चार पंचे 20 50 आएगा, यहाँ पर ऑप्शन है 400, दूसरा 50, तीसरा 200 और चौथा 100, तो क्या करोगे 50 करोगे, क्लियर है, समझ में आया यहां तक, कोई दिक्कत। चलो फिर एक क्वेश्चन और है, ये आप लोग बताओ 112 लघु बीजाणु के निर्माण के लिए है ना, लघु बीजाणु मातृ कोशिका में कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे, 112 है तो 112 को किससे भाग दे दो, चार से, तो चार दूना आठ हासिल आया 3, उधर बैठा है 2, 32 हो गया, और 4 अठे 32 यानी 28, क्लियर है, अरे भाग तो आता ही ना, ठीक है 28, यहाँ ऑप्शन है 56, 28, 112 और 224, तो सही क्या होगा 28 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंड समुच्चय के निर्माण में कौन सहायक है, पहला है अंड, दूसरा है अंड व सहायक कोशिकाएं, और तीसरा है अंड व प्रतिमुख कोशिकाएं, और चौथा है सहायक कोशिकाएं व प्रतिमुख कोशिकाएं, तो क्या होगा, देखो यहां कह रहे हैं अंड समुच्चय के निर्माण में, यानी कि जो ओवम का सेट होता है ना, अंड समुच्चय के निर्माण में सीधा याद रखो अंड और उसकी सहायक कोशिकाएं, सही ऑप्शन क्या होगा दूसरा वाला, क्लियर है, अंड और उसके सहायक कोशिकाएं, क्लियर है। अच्छा नेक्स्ट है बीजांड का वो स्थान जहां बीजांड वृत्त जुड़ा होता है उसे क्या कहा जाता है, निभाग, नाभिका, केंद्रक, माइक्रोपाइल, तो क्या कहते हैं नाभिका कहते हैं, ये 2017 का क्वेश्चन है, बीजांड का वो स्थान जहां पर बीजांड वृत्त जुड़ा रहता है उसे क्या कहते हैं नाभिका कहते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट है निभाग पाया जाता है, निभाग किस में पाया जाता है, पराग कण में, बीजांड में, भ्रूण कोष में, इन सभी में, तो किस में पाया जाता है बीजांड में, निभाग किस में पाया जाता है बीजांड में, 2020 का क्वेश्चन। नेक्स्ट है कौन सी कोशिकाएं सभी प्रकार के भ्रूण कोष में पाई जाती है, बताइए कौन सी ऐसी कोशिका है जो हर प्रकार के भ्रूण कोष में पाई जाती है, सह कोशिका, अंड कोशिका, प्रतिमुखी कोशिका और ये सभी अंड कोशिका है ना,
चूंकि भ्रूण कोष की बात कर सॉरी भ्रूण कोष की बात कर रहा है, तो भ्रूण कोष का मतलब क्या हुआ? वो स्थान जहां पर भ्रूण रहता हो। लेकिन भ्रूण पोष का मतलब त्रिगुणित कोशिका, ध्यान देना कोष और पोष में। चलो नेक्स्ट है, पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूण कोष कौन है? दो बार आया है 2003 2006 में, पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूण कोष, इसको याद रख लेना है ना। साको आके राखे मतलब थोड़ा देखो ये इस चीज को ऐसे याद रखना है ना, साको ठीक है आके बस ऐसे याद रखना, अगर याद रख सको तो, क्योंकि कंफ्यूजन रहता है ना, ऐसे चार ऑप्शन दे देंगे पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाओगे। क्लियर है? तो यहां पर सीधा ऑप्शन याद रखना, जब पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणपोष की बात करें, ये इसी को ऐसा भी कह सकते हैं, एक प्रारूपी आवृतबीजी भ्रूणपोष परिपक्व होने पर क्या होता है, तो यहां पर क्या याद रखोगे? साको ठीक है आके, साको राखे साइया मार सके ना कोई, तुम कर दो साको आके राखे साइया मार सके ना कोई याद करने के हिसाब से ना। हाँ तुम बायो वाला बना दो। तो देखो सात जो होती है, क्लियर है, साको से सात होती है क्या? कोशिकीय। क्लियर है? क्या होती है? सात कोशिकीय और आठ केंद्रकीय। याद रहेगा पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूण कोष कैसा होता है? साको मतलब सात कोशिकीय, आके राखे साइया मार सके ना को, तो आके आठ केंद्रकीय, आसे आठ तो याद ही आ जाएगा ना, सात कोश के और आठ केंद्र के, जैसे ऑप्शन दिया ऑप्शन कंफ्यूजन हो जाता है, ऑप्शन है आठ कोश के सात केंद्र के, दूसरा है सात कोश के आठ केंद्र के, तीसरा आठ कोश के आठ केंद्र के, चौथा सात कोश के सात केंद्र के, बताओ सही क्या होगा? सात कोश के सात कोश के आठ केंद्र के, तो याद रहेगा ना, सातो आके राखे साइया मार सके ना कोई। क्लियर? अब इसका मजाक मत बन ज्यादा बना दो साकू आके माके, नहीं ऐसा कुछ नहीं, बस क्लियर है, याद रहेगा। चलो आगे चलते हैं।